हाय दोस्तों, मैं वापस टिगोर CNG का वीडियो ले आया हूं और इसमें कुछ कुछ फीचर्स मैंने नहीं बताया था और वो वीडियो में बहुत सारे ऐसे चीज़ था, एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं नहीं बता पाया था, तो मैं फिर से बताने वाला हूं। तो हमारी टाटा में दो गाड़ियों में CNG आ रही है, एक हमारी टियागो में और एक हमारी ये टिगोर गाड़ी है। दोनों में CNG है, आप इसमें पेट्रोल भी डाल सकते हैं, प्लस आप अपना CNG से भी आप गाड़ी को चला सकते हैं। सर, हमारे टाटा के CNG में ये बेनिफिट है, अदर आप मारुति या हुंडई के गाड़ी में जो CNG आया हुआ है उसके कंपैरिजन में अगर जाते हैं तो हमारे गाड़ी को जो CNG वाली है उसमें आप CNG में रख के आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अदर आप ब्रांड में जाते हैं तो गाड़ी में आपको पेट्रोल रखना पड़ेगा तब जाके आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। लेकिन हमारी टियागो या टिगोर CNG लेते हैं तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल ना भी रहे, आपकी गाड़ी में अगर CNG हो तो CNG से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आता है। तो देर इसका फीचर्स स्टार्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले मैं बूट स्पेस दिखाऊंगा क्योंकि CNG है, सबके माइंड में होता है कि CNG है, तो सबसे पहले बूट दिखाइए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार करता है CNG टैंक वो बूट को ही मार करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, पीछे आपको CNG लिखा हुआ रहेगा, ये iCNG आता है, इंटेलिजेंट CNG आता है जो हर एक चीज़ को रीड करके आपके गाड़ी को सेफेस्ट बनाता है। तो मैं खोलता हूँ, पीछे मैंने बूट खोला और ये रहा आपका CNG टैंक जो कि काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी बड़ा हैवी है, और जो स्पेस बच जाता है लम समझ लीजिए कि इतना स्पेस आपको बच जाएगा। अगर इस प्लास्टिक को अगर हम हटा देते हैं तो लम समझ लीजिए कि इतना स्पेस बच जाता है, और आपको साथ में अंदर में भी काफ़ी अच्छा स्पेस बच जाता है इनकेस अगर छोटा मोटा थैला वगैरह अगर अंदर में आप रखना चाहते हैं तो वो चीज़ आप इस पर रख सकते हैं। तो ये आपका CNG टैंक मैंने दिखा दिया, बूट दिखा दिया। तो स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स में कि इसमें क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो फ्रंट से स्टार्ट करूँ मैं, तो इसमें जो आपको लाइट आएगा वो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा। इधर आप जाइएगा हाई बीम, तो ये नॉर्मल हैलोजन के साथ साथ मिलता है। ये आपका फॉग लैंप आ जाता है, एक आपको बहुत अच्छा ग्रिल फिनिश के साथ आ जाता है जो कि अच्छा लगता है। फिर नीचे अगर आते हैं तो ये डे लाइट रनिंग लैंप मिल जाएगा। फिर इधर आते हैं तो टाटा का ट्राई एरो सिंबल का ग्रिल आता है, बीच में आपका टाटा का सिंबल भी रहेगा जो काफ़ी मस्कुलर इसको लुक देता है। नीचे अगर आते हैं यहाँ पर तो ये आपका क्रोम फिनिश के साथ आता है जो कि गाड़ी को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। ये बहुत अच्छा लगता है गाड़ी को आगे से देखने में, एक बार आप गाड़ी को देख लीजिए पूरी तरीके से, ये चीज़ आता है। और अगर ऊपर की बात करें तो काफ़ी हैवी आपका ज़बरदस्त आपका बोनेट आता है जो कि जाहिर सी बात है हमारी टियागो टिगोर 4-स्टार रेटिंग की गाड़ी है, तो आगे का इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़े इसमें, इसलिए इसका सेफ्टी वाली गाड़ी आ जाती है, 4-स्टार रेटिंग की गाड़ी है। फिर अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो मैं उस साइड से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ORBM में आता हूँ, तो ये आपको पियानो ब्लैक ORBM मिलता है विथ आपका टर्न इंडिकेटर के साथ, जो टर्न इंडिकेटर होगा वो आपका यहाँ पे आपका शो करेगा जिस तरह ये येलो जला। फिर इधर आते हैं डोर में, तो डोर में आपको लॉक अनलॉक का ये बटन मिल जाएगा, और बहुत ज़बरदस्त ये बेनिफिट है कि ये आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे गाड़ी में क्रोम फिनिश मिल जाता है, जबकि आपके डोर हैंडल में भी क्रोम फिनिश आ जाता है, तो ये अच्छा लगता है। और फिर अगर पीछे आते हैं टायर में, तो टायर आपको इसमें अलॉय व्हील्स नहीं मिलेगा, इसमें हाइपरस्टार अलॉय व्हील्स जैसा दिखने वाला आपको व्हील कवर मिल जाएगा। और जो टायर जो आता है वो आपका गुडियर का आता है, और जो टायर का आपका साइज है वो R14 इंच का आता है जो कि 175x65 ये का आता है, तो टायर भी आपको बहुत ज़बरदस्त लुक के साथ आता है। इसमें आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेगा, तो ये उम्मीद मत करिएगा कि इसमें अलॉय व्हील्स मिलेगा। फिर अगर ऊपर की ओर आते हैं तो इसमें आपको शार्क फाइन एंटीना आता है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लुक देता है, और ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है। तो ये जो टाटा का जो पियानो ब्लैक है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, जो लुक देता है ना कुछ अलग ही हट के देता है, तो ये अच्छा लगता है। फिर पीछे चलते हैं बैक प्रोफाइल की, तो इधर कोई वाइपर नहीं आएगा क्योंकि सेडान में कोई भी वाइपर नहीं आता है, लेकिन आपको डिफोगर मिल जाएगा कि अगर कभी भी कुहासा वगैरह अगर ये होता है तो ये आपको वो चीज़ हटाता है। पीछे जाते हैं तो वो मैंने आपको पहले दिखा दिया था, CNG का वो सिंबल आता है। फिर इधर आपका टिगोर लिखा रहेगा और ये टाटा का बेजिंग, और जस्ट इसके नीचे जाते हैं तो आपको कैमरा मिल जाएगा
इसमें एक थोड़ा सा मिसिंग है कि डुअल पार्किंग सेंसर नहीं आता है, लेकिन ये एक अलग सा जो क्रोम मिलता है नीचे बैक साइड में, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, मस्कुलर लुक लगता है। तो लमसम मैंने बता दिया सारा साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल को। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर में और अंदर के फीचर्स को मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही अंदर आता हूँ तो सबसे पहले मैं सीट को फोकस करता हूँ। सीट आपका जो है कि सीट एडजस्टेबल आ जाता है, सीट को आप अपने हाइट के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद अगर ड्राइवर पे इधर आते हैं, डोर पे अगर आते हैं, तो चारों पावर विंडोज़ मिलेगा। ये आपका वन टच के साथ रहेगा और ये आपका सेंटर लॉकिंग है कि आप गाड़ी के पीछे के शीशा या उधर के शीशा को आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट है। फिर ऊपर की ओर आते हैं तो बाहर के शीशा को अगर फोल्ड करना है या फिर अगर उसके शीशा को एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये आप यहीं से कर सकते हैं। तो बैठते हैं एक बार ड्राइविंग सीट पर और दिखाता हूँ इसका सारा इंटीरियर और फीचर्स में। तो ये स्मार्ट चाबी है, टॉप मॉडल है ये, तो जाहिर सी बात है स्मार्ट चाबी। इसमें कीलेस एंट्री है, इसमें आपका पुश बटन स्टार्ट आता है जो कि यहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं क्लच प्रेस करूँगा और गाड़ी के पुश बटन को मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी गाड़ी हो गई स्टार्ट। तो ये चीज़ है। अब मैं थोड़ा सा एसी चला लेता हूँ, काफ़ी अंदर में गर्मी है। चलिए तो वीडियो को आगे करते हैं। तो मैंने इधर बता दिया, फिर आते हैं इसके आपके ये में स्टीयरिंग में। तो ये जो स्टीयरिंग आता है वो पावर स्टीयरिंग आता है और ये स्टीयरिंग आपके टिल्ड के साथ आता है। स्टीयरिंग को अपने हाइट के अनुसार ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट आ जाता है। और स्टीयरिंग में आपको सारा माउंटेड कंट्रोल मिल जाता है, कॉल रिसीव कट करना, वॉल्यूम वगैरह सारा के लिए आपको मिल जाता है, तो ये बेनिफिट हो जाता है। फिर इधर आते हैं म्यूज़िक सिस्टम में, तो ये आपको हार्मन का म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा 7 इंच का, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मैप वगैरह, वीडियो वगैरह सारा चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। नीचे आते हैं तो ये आपका क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है कि जो कि बहुत ज़बरदस्त है और ये ऑटो के साथ आता है। इसमें ये बेनिफिट है कि बाहर का अगर वातावरण अगर ठंडा हो, ऑटो पे आप इसको क्लिक करिएगा तो ये ऑटोमेटिक गर्म करेगा, और अगर गर्मी हो तो ये ऑटोमेटिक ही आपको ठंडा कर देगा, तो ये बेनिफिट इसमें आता है। और सबसे बड़ी बात इसका CNG को लेकर कि CNG कैसे देखे, कितना CNG है, सारे चीज़ मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देख लीजिए, ये जो आपको इंडिकेट करेगा ये आपके RPM इंडिकेट करेगा, ये चीज़ है। और इधर जो है ये आपका फ्यूल बताएगा, इतना से इतना आपको फ्यूल बताएगा, और ये आपका CNG का सिंबल है, ये यहाँ पे आपको CNG बताएगा। और CNG मोड एक्टिवेट कैसे करना मैं बता रहा हूँ। ये देख रहे हैं ये बटन, इसको अगर आप इसको ऑफ़ कर दीजिएगा, जैसे कि ये ग्रीन बटन नहीं दबा है, तो ये ऑटोमेटिक पेट्रोल पे शिफ्ट हो गया, ये आपका पेट्रोल पे चला गया। यहाँ पे देखिए CNG ऑन नहीं है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे ग्रीन बटन जल जाएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए एक CNG का सिंबल आ जाता है। तो ये आप जान लें कि यहाँ पे जला है और यहाँ पे ग्रीन बटन जला हुआ है, तो ये आपका CNG ऑन हो चुका है। तो ये रहा है CNG का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये टॉप मॉडल है एग्जेट प्लस का, तो बहुत ज़बरदस्त है। बाकी बात अगर इधर आते हैं तो ये जो बॉक्स होगा ये कूल्ड ग्लो बॉक्स मिलेगा, इसमें आप पानी फल कुछ भी रखिएगा, ये आपको नॉर्मल टेम्परेचर में चिल्ड कर देगा। इधर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, आप अच्छा खासे से फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। इधर छोटे छोटे कप होल्डर का है, पीछे अगर आप एक अच्छा खासा 1 लीटर का बोतल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। चार्जिंग वगैरह के स्लॉट पीछे, अगर फ़ोन चार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहीं से आप चार्ज वगैरह कर सकते हैं, और आगे के लिए भी है, आप आगे यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। बाकी बात USB से आप डाटा केबल के थ्रू भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये आगे का मैंने लमसम सारे चीज़ बता दिया। ऊपर अगर आते हैं तो इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, और साथ साथ में जो अभी टिगोर में न्यू अपडेशन हुआ है टॉप मॉडल में, वो आपका रेन सेंसर वाइपर है। अगर बारिश होगी तो आगे का जो वाइपर है ये ऑटोमेटिक चलने लगेगा, तो ये बेनिफिट आपका आ जाता है। तो देन अब पीछे चलते हैं, पीछे के कंफर्ट के बारे में और कुछ फीचर्स के बारे में मैं बताता हूँ। अब आ चुके हैं हम लोग पीछे। पीछे सबसे पहले एक बार देख लीजिए, जो ड्राइवर सीट था मैंने सबसे पीछे किया हुआ था, सबसे पीछे किया हुआ था, फिर भी मैं दिखाता हूँ, काफ़ी स्पेस बच जाता है। तो पहले एक बार पूरी तरीके से देख लीजिए, ये आपका मिलता है, और बहुत ज़बरदस्त है कि टॉप मॉडल में आर्मरेस्ट विथ आपका कप होल्डर के साथ मिलता है। आप कप वगैरह रख के आप थोड़ा सा एक दो पेक वगैरह ले सकते हैं। तो आप देख लीजिए
कि मैंने पूरा पीछे सीट को किया था, फिर भी लमसम 4 से 5 उंगली मेरा स्पेस बच रहा है जब मैं पूरा पीछे किया हूँ। और मेरा अगर हाइट देखे तो 5.4 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस बचता है। इधर आपको आपका जो सीटिंग पोजीशन है काफ़ी बेहतर है। और मैं टिगोर को लेकर एक पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि इसका जो सीट है ना काफ़ी कंफर्ट है। मैं आपके ओपिनियन को लेकर ही बताऊंगा कि ये सीट जो है ना बहुत कंफर्ट है, बहुत कंफर्ट। अगर आप इसमें बैठिएगा ना तो लगेगा कि गद्दे के अंदर में हम लोग घुस गए हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, प्रीमियम क्वालिटी का सीट है। और जाहिर सी बात है सिडान गाड़ी है तो होना भी चाहिए। और इसका जो सीटिंग पोजीशन है ना थोड़ा सा डाउन है, झुका हुआ है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो बैक पेन वगैरह का समस्या नहीं होगा, तो ये बेटर हो जाता है। साथ साथ में इधर आपका पार्सल ट्रे टाइप का आ जाएगा, ताकि आप कुछ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये बेनिफिट आ जाता है। तो इधर अगर ऊपर की अगर की ओर जाते हैं तो इधर आपको लाइट वगैरह मिल जाएगा। और दोनों साइड अगर देखें तो एक अच्छा खासा हाथ पकड़ने के लिए आपको स्पेस मिल जाता है, इधर भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। तो देन ये रहा हमारी टिगोर सीएनजी गाड़ी। किन्हीं को अगर प्लानिंग हो तो आप हमें बताइए, मैं आपको गाड़ी दे पाऊँगा। बाकी बात ओवरऑल अगर बात किया जाए इस गाड़ी की, तो अपने सेगमेंट में बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। आप इसे ज़रूर एक बार आके देखें। हमारे पास टेस्ट ड्राइव गाड़ी है अभी टिगोर की, अगर आप टेस्ट ड्राइव लेना चाहिएगा तो मैं आपको टेस्ट ड्राइव भी दे पाऊँगा। तो देन अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट ज़रूर याद से करिएगा। और जैसा हो वीडियो फिर आप हमें बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर।